एशिया वर्सेस यूरोप वर्सेस अफ्रीका। तो चलिए आज कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट ज्यादा पावरफुल है। तो एशिया से जो जो देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में हैशटैग एशिया लिखो। तो एशिया में टोटल 48 कंट्रीज आती हैं, वहीं यूरोप में 44 कंट्रीज आती हैं, जबकि अफ्रीका में 54 कंट्रीज आती हैं। तो पॉइंट जाता है अफ्रीका को। वेल, जहां एशिया का लैंड एरिया 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं यूरोप का लैंड एरिया 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका का लैंड एरिया 10.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो पॉइंट जाता है एशिया को। एशिया की टोटल पॉपुलेशन 4.7 मिलियन है, वहीं यूरोप की टोटल पॉपुलेशन 748 मिलियन है, जबकि अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। तो पॉइंट जाता है एशिया को। जहां एशिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन इस्लाम है, वहीं यूरोप और अफ्रीका में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। वेल, अफ्रीका का लिटरेसी रेट 65% है, जबकि एशिया का लिटरेसी रेट 95% है और यूरोप का लिटरेसी रेट 98%। तो पॉइंट जाता है यूरोप को। जीडीपी की बात करें तो एशिया की टोटल जीडीपी है 41.3 ट्रिलियन डॉलर, वहीं यूरोप की टोटल जीडीपी है 16 ट्रिलियन डॉलर, जबकि अफ्रीका की जीडीपी है 3.14 ट्रिलियन डॉलर। तो पॉइंट जाता है एशिया को। सो द विनर इज एशिया।